नई मुंबई के कद्दावर प्रकल्पग्रस्त नेता नामदेव भगत को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नई मुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक गावड़े के पार्टी छोड़ने की खबरों के बाद नामदेव भगत को नई मुंबई एनसीपी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले नामदेव भगत नई मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और सिडको संचालक जैसे बड़े पदों पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई के तेज तर्रार नगर सेवकों में से एक नामदेव भगत को एनसीपी ने नई मुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी उन्हें अशोक गावड़े के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच सौंपी गई है। बीते साल शिवसेना छोड़कर एनसीपी में दाखिल हुए नामदेव भगत वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इससे पहले वे नई मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और सिडको महामंडल के संचालक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्ष 2010 में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके नामदेव भगत को नई मुंबई का एक दबंग नेता और नगर सेवक माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।